बटाला विच अपाहिज अमृतधारी नौजवान रविंदर सिंह दी बीते एक महीने पहला घर तो कुछ दूरी ते एक मैरिज पैलेस के बाहर मृतक शरीर पाया गया सी। परिवार वालों महल्ले के ही तिना नौजवानों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई सी, पर पुलिस वालों किसी के खिलाफ भी कोई मामला दर्ज नहीं किया गया अते ना ही कोई कार्रवाई की गई, जिसके संबंध में परिवार वालों ने निहंग जथेबंदियों नूं नाल लैके प्रैस वार्ता की अते 5 दिन का समा पुलिस नूं दिता गया। मृतक अपाहिज पुत के गुरसिख पिता ने दसिया कि एक महीने तो वध दा समा हो चुका है, पर पुलिस वालों दोषियों के नाम दसण ते भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। उन्होंने कहा कि जेकर पुलिस वालों दोषियों उत्ते कोई कार्रवाई नहीं की गई तो उन्होंने वालों पंजाब दियां समूह निहंग जथेबंदियों नूं नाल लैके SSP के दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। अते दूजे पासे पुलिस अधिकारियों ने दसिया कि पहला यह परिवार अपने बेटे का पोस्टमार्टम भी नहीं सी करवा रहे, पर पुलिस वालों फिलहाल पोस्टमार्टम करवाया गया है ते जल्द ही रिपोर्ट के आधार ते अगली कार्रवाई की जाएगी। जी, मेरा पुत्र रविंदर सिंह जिसकी उम्र 29 साल, उसका कतल हो गया 8/8 सोमवार को। जो प्रशासन साढ़े नाल सही सलूक नहीं कर रहा, इस कारण प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई आ। जेकर सानू न्याय ना मिले, असी बहुत वड्डे पद्धर ते ये संघर्ष वढ़ांगे। सानू साडे पुत्र दे कातल गिरफ्तार होए दिखने चाहिए आ। पहला सनी पुत्र सोहन लाल, दूसरा काली पुत्र शेर सिंह, तीसरा चीनी बुग्गा, जिन्हां ने ये बंदा सटा ला के मारिया ते बल्ले बल्ले पैलेस के सामने सुट दिता गया। जी, ये नवी आबादी बैंक कलोनी के नज़दीक रहन वाले ने, जो बड़े पद्धर के उत्ते नशियां का कारोबार करते आ। ये बंदिया ने अगे भी बहुत हादसे किए हुए आ। पक्के सबूतों के तौर पर असं ये गल कहने कि साड़ियां नज़रां विच ये कातल ने, ये ठोस कातल ने। इन्हां नूं कृपा करके सरकार फड़े, जे ना फड़ गई सरकार अहीं बहुत पद्धर ते निहंग सिंघां नूं कत्तर करके ये संघर्ष वढ़ांगे। पुलिस नूं ये गल की दरखास्त दित्ती हुई आ, नाल खाए हुए ने सिविल लाइन दे विच, जो सरदार बलविंदर सिंह वड्डा सरदार सुखविंदर सिंह सरदार कुलवंत सिंह, उन्हां नूं ही नाम भी लिखाए हुए आ। वह सानूं बार बार इहो दसी जांदे ने जी रिपोर्ट आ लैंदो, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ लैंदो। रिपोर्ट जिहड़ी आ सड़को ये सरदार बलविंदर सिंह ने सैन करवा ले आ कि पोस्टमार्टम वास्ते सैन करवाउण डे आ, ते उन्हां ने उन्हूं टैग दा रूप दे दिता वा, पर टैग नहीं होया, बंदे दा कतल होया वा। अहीं जदों बॉडी दिखी आ उत्थे असीं ये गल बलविंदर सिंह नूं कही आ कि ये बंदे का कतल होया वा। बलविंदर सिंह साबन स्वैटर आ पुलिस लाइन का, जिन्हां ने मौके की कार्रवाई की आ। रात 9 बजे पहुँचे हाँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं हैगी, मैं बाबे बकाले तो रात 9 बजे पहुँचा वा। ये सानू हनेरे दे विच उत्थे लै के गए ने, जदों देखिया सपाट बंदा पिया सी, उहदियां कन्नां चों अखां चों है जी खून निकल रहा हैगा, तो बहुत सट्टां वज्जियां सी, बाहां भी तोड़ियां होईयां सी, खब्बी लत्त तोड़ी हुई सी, सिर च बड़ी गंभीर सट सीगी। कोई निजी दुश्मनी नहीं हैगी, असीं गुरद्वारा साहब के वसनीक हाँ, गुरद्वारा साहब के सेवादार हाँ, साडी बेटे की कोई रंजिश नहीं हैगी। इन्हां बंदियां ने ये बंदे का कोई भेत इन्हां दा उहदे कोल जरूर हो सकता वा, क्योंकि ये ट्रक्स का कम करते है जी। सानू ये शक जिहड़ा वा पक्के तौर पर आ, इन्हां ने बंदा चुकिया वा, चुक के मार के उत्थे सुटिया वा। बंदा हैंडीकैप सीगा, बंदे की उम्र 29 साल आ, सिख मर्यादा का बंदा वा, जिसका नाम रविंदर सिंह पुत्र कुलवंत सिंह। असी बहुत तगड़ा संघर्ष करांगे, निहंग सिंह फौजा लैके SSP साहब के दफ्तर के अगे धरना देवांगे, गांधी चौंक च धरना देवांगे, DC साहब के पेश होवांगे। 8/8 की जी गल कर रहे हो ना, हैंडीकैप सीगा लड़का, उसकी डैथ हो गई सी, तो जो उत्थे मौके पर पुलिस गई तो निहंग सिंह इन्हां दे फादर साहब भी आए थे। इन्हां दे ईवन उदों ये गल कही सी कि असीं उहदी जिहड़ी अहीं पोस्टमार्टम नहीं करवाउणा, ठीक है जी,
क्योंकि मामला पुलिस के ध्यान च आ गया ही, इस करके असी उहदा पोस्टमार्टम करवाया सीगा। हुण जिहड़ी उहदी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है कल सानू मिली है जी, ठीक है, तो उहदे रिगार्डिंग जिहड़ी भी उहदी डॉक्टर ने ओपीनियन दित्ती है तो उत्ते जो भी बनदी कार्रवाई होगी करांगे। दस टैलेंट्स लई गुरदासपुर तों लवप्रीत खुशीपुर दी रिपोर्ट।